मेरे प्यारे छात्रगण, आठवीं कक्षा के तृतीय वर्ष हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षा तक हमने पूर्ण अध्ययन करने के लिए एक पद्य बाकी था, वह पद्य आज आपको इस YouTube के जरिए, इस YouTube माध्यम के जरिए आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों, यह पद्य देखिए है, चुंबक है धरती हमारी। पद्य का नाम चुंबक है धरती हमारी। इट्स एन मैग्नेट, धरती हमारी। आखिर समथिंग की कुछ विशेषता के बारे में यह पद्य कहने वाले हैं। देखेंगे आखिर यह कौन सी जो विशेषता के बारे में कहते हैं। चुंबक है धरती हमारी एक संकलित पद्य है। इस पद्य में हम आइज़ैक न्यूटन नामक व्यक्ति और उसके खोज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और आइज़ैक न्यूटन नामक व्यक्ति किस तरह जो व्यक्ति था इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, चुंबक है धरती हमारे पाठ का आशय देखिए, पद्य का आशय देखिए। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है, ग्रेविटेशनल पावर होता है। ग्रेविटेशनल पावर किसे कहते हैं? जो भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं वह धरती अपने आकर्षण शक्ति से खींचते हैं, इसे ग्रेविटेशनल पावर कहलाते हैं। इसे क्या कहलाते हैं? ग्रेविटेशनल पावर कहलाते हैं। चुंबकीय गुण के बारे में हमें मालूम होते हैं, अपने और आकर्षित करने का जो गुण के बारे में हमें इस पद्य से मालूम होता है। न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब को देखा, जैसे ही उन्होंने देखा, आलोचना की और समझा कि यहाँ पेड़ से गिरा हुआ सेब पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से ही नीचे आए हैं। इन सभी विचारों के बारे में यह पद्य में है। देखेंगे चित्र में आपने, आपको यह मिल रहा है, सेब का पेड़ है और वहाँ नीचे बैठा हुआ है न्यूटन, उसके सिर पर एक सेब गिरा है और उसके बारे में आलोचना कर रहे हैं। देखेंगे, एक युवक था बुद्धिमान, आइज़ैक न्यूटन उसका नाम। एक दिन बैठा बगीचे में डूबा गहरी सोच में, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, सोच सोच कर पता लगाया, खोज बीन कर यह समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी, कींचे वस्तुएं अपनी और सारे, बच्चों यही गुण है धरती का, याद रखो तुम ना न्यूटन का। कितना अद्भुत है, देखिए यह आपको, आपने अपने सातवीं कक्षा के, आठवीं कक्षा के जो साइंस में पढ़े हैं कहने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल पावर के बारे में आपको मालूम है, यह ग्रेविटेशनल पावर के बारे में यह पाठ है। इस पाठ के माध्यम से कवि का कहना यह है कि आइज़ैक न्यूटन नामक व्यक्ति ने धरती की चुंबकीय शक्ति को पता लगाया,
देखेंगे, इस मध्य का विस्तार से देखेंगे। इसमें यदि आपको डाउट्स है तो कह दीजिए। यहाँ मध्य खत्म होते हैं। आइज़ैक न्यूटन के बारे में जो मैं जानता हूँ ना, उसके बारे में कुछ कहने के लिए प्रयत्न कर देता हूँ। देखेंगे, एक युवक था बुद्धिमान, एक युवक था बुद्धिमान। आइज़ैक न्यूटन का जो ब्रेन है ना, हाईली ब्रिलियंट ब्रेन है। आपको शायद आश्चर्य होगा, जब उसका जो जीवन चरित्र के बारे में कहते वक्त आपको शायद आश्चर्य होगा, जन्म लेते वक्त यह एक कमजोर बालक, जन्म लेते वक्त यह एक कमजोर बालक पढ़ते 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 बन गए बुद्धिमान। आपको यही सजेशन दे रहा है। आइज़ैक न्यूटन जन्म से एक कमजोर बालक है, फिर भी वह अपने मेहनत से और अपने परिश्रम से वह बुद्धिमान बने हैं। आइज़ैक न्यूटन उसका नाम, आइज़ैक न्यूटन है उसका नाम, आइज़ैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल पावर को पॉइंट आउट किया है, लॉ ऑफ मोशन को पॉइंट आउट किया है, मोमेंटम को पॉइंट आउट किया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी इसको पॉइंट आउट किया है, कैलकुलस इसको इन्होंने ढूंढा है। इसके बारे में हम उनके जीवन चरित्र देखते वक्त एक बार देखेंगे। एक दिन बैठा बगीचे में, एक दिन यहाँ जाकर बैठा था बगीचे में, बगीचे में जाकर यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। एक दिन वहां जाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया है। धूप गहरी सोच में है, वहां बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ है। अब कोरोना का समय है ना, आप भी अपने घर में बैठे हैं और कभी कभी गहरी सोच में डूब जाते हो। नहीं, आपको उतना समय नहीं है, क्योंकि क्या है, आपको पढ़ना है। हर एक दिन एक एक लेसन खत्म करते आए हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, मानता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स हमारा हिंदी सब्जेक्ट एक एक दिन एक एक पार्ट पढ़ते आए हैं, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। ऐसे ही आप करने वाले हो, यह मेरा भी जो विश्वास है। डूब गहरी सोच में, आइज़ैक न्यूटन वहां पेड़ के नीचे बैठा है और गहरी सोच में डूबा है, कुछ सोच रहा है। देखेंगे, पेड़ से गिरा एक सेब लाल, लाल रंग का एक सेब टपक से इसके सिर पर गिरा। किसके सिर पर गिरा? यस, वेरी गुड। किसके सिर पर गिरा? वेरी गुड, सुपर। यह आइज़ैक न्यूटन के सिर पर गिरा, जो लड़का गहरी सोच में डूबा हुआ था, उस जो लड़के के जो सिर पर यह लाल सेब गिरा। सेब उठाया, देखा, यदि आपके हाथ में यह सेब रहा तो आप क्या करने वाले थे? यस, कहने की जरूरत नहीं, गुड़ स्वाहा, यानी इट मींस आप उसे कहा जा रहे थे। लेकिन आइज़ैक न्यूटन ऐसा नहीं किया। क्या किया देखेंगे। सेब उठाया, पेड़ को देखा, हे पेड़, तुम मुझे मार रहे हो क्या? मेरे सिर पर यहाँ गिरा रहे हो क्या? ऐसा उन्होंने सोच रहा है। यहाँ नहीं है, पेड़ ने उसके सिर पर टारगेट नहीं किए है, जैसे आप पेड़ को मारते हैं ना, वैसे नहीं किए। देखेंगे, सेब उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, यस ऊपर देखा, ऊपर मतलब ऊपर देखा, यस पेड़ के और देखा, नीचे देखा, नीचे भी देखा है, और सेब को उसने फिर से फेंका। सेब टू बंत, हाँ सेब तो बोलते ना, डायरेक्टली उसी पेड़ को मार दिया, जिस पेड़ उसके सिर पर गिरा था ना, उस सेब को उठाया। आपके हाथ में रहा तो वह आप कहा जाते थे, लेकिन क्या है, आइज़ैक न्यूटन ने उसको दोबारा पेड़ पर ही लटकाने के लिए यानी ऊपर फेंक दिया। सेब आया फिर से नीचे, जिस तरह वह ऊपर गए थे ना, जिस तरह से ऊपर गए थे ना, उसी तरह नीचे आया। सेब आया फिर से नीचे, देख देख कर लगा सोचने, सेब क्यों नीचे आया? उसने मुझ पर जो फेंका, मैंने उस पर फेंका, लेकिन क्या है, वो जो पकड़ा नहीं है और नीचे आकर या सोच में पड़ गया। आप तो सोचते नहीं थे, आप तो क्या है, लेकिन क्या है, आइज़ैक न्यूटन सोच रहा है, आखिर क्यों वहां नीचे आया?
सोचने लगा सोचने, आखिर यहाँ गिरा क्यों नीचे, क्यों यहाँ नीचे ही गिरा है, इस तरफ क्यों नहीं गए है, इस तरफ क्यों नहीं गए है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गए है, क्यों वहां नीचे ही आए है, यहाँ सोच में पड़ गए। सोच सोच कर पता लगाया, सोचा कोच बीन कर यहाँ समझाया। फाइनली इन्होंने कोच किया, कोच मतलब तलाश किया, ढूंढा, यहाँ तो लगाया और कोच बीन कर यहाँ समझाया। चुंबक बनकर धरती हमारी, हमारी जो धरती है ना, यहाँ चुंबक की कार्य कर रहे हैं। चुंबक बनकर धरती हमारी खींचे वस्तुएं अपनी और सारी, अपनी और सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न यहाँ धरती करते हैं, यहाँ धरती करते हैं। बच्चों यही गुण धरती का यही गुण है। यानी इस तरह आइज़ैक न्यूटन ने समझाया कि यही गुण से धरती काम करते हैं। धरती का गुण क्या है? आकर्षित करना, यानी ऊपर फेंका हुआ कोई भी वस्तु को अपने ओर खींच लेना, अपने ओर खींच लेना। यदि मान लीजिए एक चौकीस मैंने ऊपर फेंका, वहां नीचे आया, ऊपर फेंका नीचे आया, ऊपर फेंका नीचे आया। देखिए ऐसे है, धरती अपने ओर खींच रहे हैं, मैंने तो क्या है ऊपर फेंका तो वहां नीचे आया। बच्चों यही गुण है धरती का, याद रखो तुम नाम न्यूटन का आपको याद रखना है। क्योंकि क्या है, इनके मदद से ही, इनके खोज के कारण से ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें मालूम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में हमें मालूम है, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में हमें मालूम हुआ है। इसके लिए बच्चों यही गुण है धरती का, याद रखो तुम न्यूटन का यह नाम आपको याद रखना है। आइज़ैक न्यूटन के बारे में आप क्या जानते हैं? आइज़ैक न्यूटन, देखिए वह कहता था कि कोई भी सोच एक बड़ी सोच के बिना नहीं की जा सकती है। कहते हैं यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिशियन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट, बहुत कुछ, इन्होंने बहुत सारे जो आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया है, इन पर बाइबल का गहरा प्रभाव पड़ा है। अपनी जो आधी जिंदगी इन्होंने धार्मिक जो पुस्तकों के पढ़ाई के लिए इन्होंने व्यतीत किया है। बाइबल एक ऐसा जो प्रभावित किया हुआ ग्रंथ था, उसको बहुत आकर्षित किया हुआ ग्रंथ था। इस तरह रहने वाले व्यक्ति इन्होंने क्या खोज किए हैं, क्या-क्या खोज किए हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी, आइज़ैक न्यूटन के द्वारा ही हमें मालूम हुआ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोमेंटम। आज बहुत कुछ अंश साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक, हर एक जो व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, यहाँ जो नियम के अनुसार ही, आइज़ैक न्यूटन के द्वारा बनाया हुआ नियम के अनुसार ही काम करते हैं। यहाँ सभी इनके नियम हैं, आइज़ैक न्यूटन का ही देन है, आपको यहाँ याद रहना है। ऐसे रहने वाले व्यक्ति का जन्म कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, यस, 25 दिसंबर 1642 को हुआ, 1642 को इनका जन्म यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। पिता का मृत्यु 3 महीने पहले ही हो गए, यानी यह जन्म लेने से 3 महीने पहले ही इनके मृत्यु, जो कहना पिता के मृत्यु हो गए। इनके पिता का नाम था आइज़ैक न्यूटन, वही नाम इसको भी रखा दिया गया, बाद में इसका नाम भी आइज़ैक न्यूटन ही रख दिया गया।
जन्म से बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर थे। यानी यहां पूरे 9 महीने तक गर्भ में नहीं था। गर्भ उसे मतलब पहले ही 9 महीने पूर्ण होने से पहले ही इसका जन्म हो गया। और जब यहां छोटे थे ना, उस वक्त कोई भी नहीं कह सकते थे कि यहां आखिर बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनेगा। बहुत मंदमति, कमजोर लड़का, और बहुत जो ब्रिलियंट तो नहीं था, बहुत मंदमति का जो लड़का था। इसके उम्र आइज़ैक न्यूटन के उम्र जब 3 साल हुए तो उनके माँ ने दूसरी शादी की, जिसके साथ उनकी शादी हुआ था ना, वहाँ आइज़ैक न्यूटन को तिरस्कार भाव से देखा। और इस कारण से आइज़ैक न्यूटन को उस एज में दादा और दादी के साथ रहना पड़ा। दादा दादी ने उनको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की, लेकिन जो भी यहाँ साइंस के बारे में प्रश्न पूछता था ना, वह प्रश्न के लिए उत्तर देने में असमर्थ हो जाते थे। कारण क्या था, इतना जो चांदबीन यानी इतना एडवांस जो साइंस में इतना एडवांस जो आगे पहुंच नहीं सकते तो क्या ना पहुंच नहीं पहुंचे थे, और छानबीन भी बहुत कम हुए थे। इस कारण से जो भी उत्तर देने में असमर्थ हो जाते थे दादा और दादी। एट द एज ऑफ 12 इसका स्कूल की जिंदगी प्रारंभ हो जाते हैं। स्कूल प्रथम जो कहना प्रथम बार यहाँ स्कूल जाते हैं किंग स्कूल, द किंग स्कूल ग्रैंथम। ग्रैंथम में द किंग स्कूल में इसको दाखिल किया जाता है। बहुत मंदमति जो लड़का होने के कारण से दोस्तों से तिरस्कार भाव, सबके तिरस्कार भाव, समाज में इसे पागल भी कहते थे, कुछ भी जो उसके लिए विरोध भाव करना ही पसंद करते थे। एक क्रोधित और हटवादी तथा गुस्से वाला ऐसा जो गुण अपना लिया आइज़ैक न्यूटन ने। आइज़ैक न्यूटन ऐसे बड़े होते हुए स्कूल में बच्चों के साथ झगड़ा करके उस स्कूल से उसको निकाल दिया गया, हटा दिया गया, और उसे दोबारा माँ के यहाँ जाना पड़ा। कारण क्या था, माँ के दूसरे पति भी उस समय मर चुके थे। जिस समय यहाँ माँ के पास गए, स्कूल में तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ सोचकर माँ ने क्या किया, इसको केजी करने के लिए कहा। केजी इसलिए करने के लिए कहा कि केजी में बहुत सारे जो केजी उनके थे और विशाल रूप से रहने वाले उस केजी में कुछ जाना पैदा करके घर का देखभाल करेगा। ऐसा न्यूटन ऐसा मानकर उन्होंने केजी करने के लिए सजेशन दी, लेकिन यहाँ केजी करने के लिए मन नहीं लगाया। बिना इसके जो कारण से वह डायरेक्टली केजी करने के बगैर वह स्कूल में एक और बार दाखिल हुआ, और स्कूल में दाखिल होते ही माँ के जो कारण से वह दोबारा उसको स्कूल में भेज दिए गए। 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गई। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला, वहाँ ही मन लगाकर पढ़ाई की। जिन जो दोस्तों ने उसके साथ विद्रोह किए थे उन सब के सामने मैं एक अच्छा लड़का हूँ ऐसा साबित करने के लिए। देखिए मैं कहता हूँ बच्चों, एक मंदमति का लड़का भी यदि सच्चे लो लगन से पढ़ाई किए तो कितना जो ब्रिलियंट बन सकते हैं, आपके लिए एक निदर्शन है आइज़ैक न्यूटन। देखिए अत्यंत मंदमति का जो लड़का अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करने के लिए ऐसा जो स्कॉलर बन जाते हैं, हाईली ब्रिलियंट बन जाते हैं, उस साल के वहाँ एक स्कॉलर स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं।
1665 में उसे 1664 में उसे स्कॉलरशिप मिलते हैं। स्कॉलरशिप की मनी के मदद से वह आगे की अध्ययन करते हैं और 1965 में कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसे बाद में नाम दिया गया कैलकुलस। 1665 में ही बीए की पदवी पूर्ण की और 1665 में जब लंदन में प्लेग बीमारी फैल गई तो सभी छात्रों को घर भेजे गए। घर भेजने के बाद में 2 साल तक घर में ही रहा। जैसे अभी कोरोना के जो समय पर आपको छुट्टी देकर घर भेजते हैं ना, वैसे ही इनको भी प्लेग बीमारी के कारण से सबको घर भेज दिया गया। घर में उन्होंने पाइट आउट किया। इन 2 सालों में बहुत महत्वपूर्ण लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोमेंटम का जो छानबीन करके उसका जो प्रूफ किया और साथ ही साथ लोगों के सामने रखा। बहुत दिनों से पहले ही वो पॉइंट आउट किया था, लेकिन सामने रखना जो नहीं चाहता था। कारण क्या है, लोग इसे पागल है ऐसा जो समझेंगे, इसी कारण से जो पीछे रहा। बाद में वह अपने यहाँ छानबीन को उन्होंने लोगों के सामने रखा। ऐसे व्यक्ति 20 मार्च 1727 को इसकी मृत्यु हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाते हैं। आइज़ैक न्यूटन नामक महान हस्ती की जो मृत्यु हो जाते हैं। इस तरह रहने वाले आइज़ैक न्यूटन के बारे में हमने देखे हैं। इसके शब्दार्थ देखे हैं, गहरी गंभीर खोज, खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, चुंबक, अपनी ओर खींचने वाली धातु यानी मैग्नेट, गुण, विशेषता, हुनर, गुण, विशेषता, हुनर, बुद्धिमान, समझदार, ढूंढ, खोज। इस तरह हम यह पाठ यहाँ ही समाप्त करते हैं। अब हम आपके लिए रहने वाले एक पूरक वचन के बारे में अध्ययन करेंगे, रक्षाबंधन। यहाँ अब हम रक्षाबंधन के बारे में देखेंगे। चुंबक के धरती हमारी, इस पद्य का जो प्रश्नोत्तर आपको पीडीएफ के जरिए भेजने वाले हैं। रक्षाबंधन भारतीयों के पवित्र त्योहारों में एक है। यहाँ भाई अपने बहन की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन यानी राखी बांधते हैं। यही है रक्षाबंधन का यह त्यौहार है। बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, ज़्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं है। 3 प्रश्न हैं, उन 3 में से 1 प्रश्न शायद आएगा, आपको यह देखकर रखना है। देखिए सावन की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदर त्यौहार रक्षाबंधन का आगमन होता है। भारत में इस पवित्र त्यौहार को विशेष महत्व है। यह वर्ष ऋतु का सूचक बनकर आते हैं। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन, इन 2 शब्दों को केवल भाई बहन के पवित्र स्नेह का ही बंधन नहीं है, बल्कि 2 आत्माओं के, 2 हृदयों के, 2 प्राणों के एक दूसरे से प्रति घनिष्ठता भावना है। रक्षाबंधन केवल आजकल यह भाई बहन के जो रक्षा के लिए बने हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का जो अर्थ है, निहित अर्थ है, दूसरों की रक्षा करना, 2 आत्माओं की, 2 प्राणों की, कोई भी हो, मनुष्य मनुष्य की रक्षा करना, यही भावना अपनाना है। रक्षाबंधन देश के कोने कोने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार यह एक जगह के लिए सीमित नहीं है। आपने देखे विशु केरल के लिए सीमित है, बैसाखी पंजाब के लिए सीमित है, ऐसा नहीं है। यह तो पूरे देश में यहाँ मनाया जाता है। सारी बहने इस त्योहारों पर साल भर प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह त्यौहार बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अपनी बाई के लिए यह राखी तैयार कर रखते हैं और यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वे अपने हाथों से बाई को राखी बांधकर मिठाई खिलाते हैं और राखी बांधते हैं। इसे आनंद और हंसी का साथ इस त्यौहार को संपन्न होता है। आपके घर में भी देखे हैं, मेरे घर में भी मुझे 4 बहनें हैं और उससे आकर राखी बांधते हैं। वह त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। जब रक्षाबंधन का त्यौहार के समय पर मैं यहाँ रहा तो मुझे
वहाँ मिस नहीं करते हैं। वहाँ जो कहना जब मैं गणेश चतुर्थी के लिए जाता हूँ ना, उस वक्त मेरे हाथ पर जो कहना मेरे हाथ में यहाँ राखी मान लेते हैं। यदि रक्षाबंधन के उस दिन पर वहाँ रहा तो धूमधाम से मनाते हैं। कैसे? उस दिन सबको जो बिठा कर राखी बांधते हैं, हमें जो हमारे जो आरती उतारते हैं, आरती उठा कर तिलक लगाते हैं और तिलक लगाकर कुछ स्वीट्स देते हैं। स्वीट्स देने के बाद में हमसे जो आशीर्वाद दे लेते हैं और उस दिन घर में कुछ ना कुछ भोजन बनाते हैं और हम सब मिलकर यहाँ खाना खाते हैं। यहाँ तो बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार के बारे में आपको मालूम है ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसे टू के लिए कौन कौन से जो विषय रहते हैं, देखिए, एक तो मोबाइल का बोलावा, अभिनव गीत, वृक्ष प्रेमी दिमका, हरा घोड़ा, चुंबक के धरती हमारे, जीवनदात्री वर्षा, भारतीय त्यौहार, संतुलित आहार, कबीर के दोहे, इस तरह यह सभी आपको आने वाली परीक्षा के लिए रहते हैं। और छुट्टी पत्र यह आपको लिखने के लिए रहते हैं, यह भी आपको प्रैक्टिस कर रखना है। पैटर्न आपको जल्दी से जल्दी आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजने के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में ही देते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। साल के पूर्ण तृतीय भाषा हिंदी के पूर्ण जो सिलेबस समाप्त हुए यहाँ घोषित किए हुए, आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।